देश के मदरसों में अब रामायण और गीता पढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्से के रूप में 100 मदरसों में प्राचीन भारतीय ज्ञान और विरासत पर आधारित सिलेबस लागू करने का फैसला किया है। ये पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के वर्ग 3, 5 और 8 के समान है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को नोएडा में NIOS के नेशनल हेडक्वार्टर में स्टडी मटेरियल जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन भाषा, विज्ञान, कला और संस्कृति की एक महाशक्ति है। पोखरियाल ने कहा कि देश प्राचीन विरासत के पुनरुद्धार के साथ एक ज्ञान महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि हम इन पाठ्यक्रमों का लाभ मदरसों और दुनिया भर में भारतीय समुदाय को भी देंगे। NIOS के सहायक निदेशक शोएब रजा खान ने कहा कि पाठ्यक्रम सभी के लिए उपलब्ध होगा और अन्य विषयों के बीच में होगा। उन्होंने कहा कि एक ओपन एजुकेशन सिस्टम में छात्र चुनने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए ये अनिवार्य घटक नहीं है। हमारी खुली शिक्षा प्रणाली में विषयों की पूरा क्रम है जिनमें से मदरसा छात्र चुन सकते हैं, ये उनकी पसंद का मामला है। उल्लेखनीय है कि NIOS उन 2 राष्ट्रीय बोर्डों में से एक है जो प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से कोर्स संचालित करता है। नेशनल ओपन स्कूल का करिकुलम अन्य नेशनल और स्टेट बोर्ड के ही समान होता है। वही NIOS की अध्यक्ष सरोज शर्मा ने बताया कि हम कक्षा 3, 5 और 8 के लिए बेसिक कोर्स शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम 100 मदरसों से शुरुआत कर रहे हैं और भविष्य में इस प्रोग्राम को 500 मदरसों तक बढ़ाएंगे। बता दें कि NIOS ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर 15 कोर्स तैयार किए हैं। इनमें वेद, योग, विज्ञान, व्यवसायिक कौशल, संस्कृत भाषा, रामायण महाकाव्य कथाएं, भगवद गीता उपदेश और पाणिनि परिवर्तित महेश्वरा सूत्र शामिल है। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक